आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। हाफिज, खुदा हाफिज। दुआ कैसे? और मैं कैसे करूँगी, अल्लाह हिम्मत दे। बस ना, मैं तो अभी ना मैं जा रही हूँ अम्मी, खुदा हाफिज। कोरोना है, कोरोना में अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आ गए हैं वापस हम पार्ट टू देखने के लिए। पार्ट वन आप लोगों ने देख लिया होगा पीके रिएक्शन बांग्ला पर, और पार्ट टू देखते हैं। अब सादिया रिंड जो है वो फ्लाई करेंगी जे कतर से, कतर, हाँ, दोहा एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुकी हैं। कराची से फ्लाई किया था, दोहा पहुंच चुकी हैं, और दोहा से उन्होंने जाना है ढाका बांग्लादेश। तो जी देखते हैं वहां पर कैसे इनका वेलकम होता है और कैसी फीलिंग्स होती हैं जब ये वहां पर पहुंचेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी बिल्कुल। कराची एयरपोर्ट में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली, प्यारी सी सब्सक्राइबर, मेरी व्यूअर, तो मुझसे आके मिली एयरपोर्ट में आके, और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैं इतना थकी हुई थी, इतनी बीमार थी कि बस कैसे भी करके प्लेन में जाके बैठ जाऊँ, अपने गेट की तरफ जाके बैठ जाऊँ। लेकिन जब मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिली, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने मतलब सोचा नहीं था कि कोई मुझे एयरपोर्ट में पहचान लेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मैं बहुत ही मतलब सिंपल हालत में थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे बस ट्रैवल करना है तो कैसे भी करके घर से निकल जाऊँ। मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कोई मुझसे मिलने वाला होगा, कोई मुझे पहचानेगा भी। सो थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए। अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब कोई आपका सब्सक्राइबर, कोई फॉलोअर मिलता है। थैंक यू सो मच। इतना सब्सक्राइबर फैमिली की तरह ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ ही होती है उनको मिलकर। मुझे मुझसे जरूर आए, ठीक है, ओके। ये वाला ड्रिंक पियेंगे जो कि इमोन ने चूज किया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, दिखने में तो रिफ्रेशिंग है, लेकिन खट्टा है। खट्टा है पर अच्छा है, इमाम भाई कहते हैं अच्छा है। ये वाली मैंगो, मैंगो खोल के दो, हर चीज खोलनी इमाम भाई ने। टेस्ट करो, मैंगो मैंगो, ये टेस्टी होगा। गंदा है, गंदा टेस्ट, गंदा टेस्ट। बहुत दिन तक रख दो, आपने सही कहा, एनर्जी दे दो, गला हुआ। अपनी जगह मैंने खुद बना ली है कंफर्टेबल जोन, अभी चलो हमारा गेट नंबर ढूंढते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं। लेकिन लोग इतने ज्यादा भी नहीं है, कम है। कतर एयरपोर्ट प्लेन में चढ़ गए हैं। ट्रैवलिंग टू ढाका बांग्लादेश। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए इसके बाद, नहीं है ना? 5 घंटे का सफर है शायद, क्यों नहीं है? इंडिया क्रॉस कर रहे हैं, हाँ, अगर लाहौर से जाएं तो पहले जाते हैं इधर से दुबई, यहीं दुबई जाते हैं, या फिर दो पॉइंट्स होते हैं, या कतर वाला होता है दोहा वाला, या फिर दुबई वाला होता है। वन स्टे आपने करना होता है। अच्छा है, इमोन का है स्क्रम्बल्ड एग, टोमेटो एंड सॉसेज एंड पोटैटो, साथ में खाते हैं, साथ खाएंगे, ठीक है। फाइनली ढाका पहुंच गए, फाइनली हमें हमारे लगेज वगैरह मिल गए। 3 लगेज थे हमारे टोटल, हमें 60 किलो वेट मिला था ना इमान, सब शादी का काम, मेरा इमिग्रेशन का काम हो रहा था, सारा एयरपोर्ट खाली हो गया। और अभी हम बस फाइनली बाहर निकल रहे हैं, अंदर का वेदर तो अच्छा है, बाहर का जाके देखते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, फाइनली आई एम इन बांग्लादेश, और हम रिलैक्स हो गए नहा वहा के, खाना वाना खा के अभी हम सो रहे हैं। इमोन ऑलरेडी स्लीपिंग,
तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको, मतलब मैं अच्छे से बांग्लादेश भी घुमाऊँ और मैं कैसे बांग्लादेश में क्या क्या एक्सपीरियंस करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन। ओके गाइस, तो कपल पहुंच चुका है जी, बांग्लादेश पाकिस्तानी गर्ल एंड बांग्लादेशी बॉय हु मैरिड रिसेंटली, और वो अब पहुंच चुके हैं बांग्लादेश में। और नेक्स्ट वीडियोस जो इनकी होने वाली हैं सादी अरीन की, जो नेक्स्ट इनके व्लॉग्स होंगे बांग्लादेश में, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे देखना कि एक पाकिस्तानी गर्ल जो शादी करके आई है पाकिस्तान से बांग्लादेश में, और उसके क्या वहां पर जब एक पार्ट अपार्ट जो कि पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था, आज वो कैसे वहां पर उनको ये फीलिंग्स कैसी होती हैं, वो जब बांग्लादेश में पहुंचेंगी लोग जो हैं किस तरीके से उनका बिहेव होता है, और वहां पर स्पेशली जो वहां का माहौल है और जो लोग हैं जो कल्चर है उसको जब देखेंगी तो इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो से। नहीं भाई से पूछते हैं जी। नहीं भाई बिल्कुल सजाद भाई आपने सही कहा, और मजा आएगा इनके वो व्लॉग देख वो देखने का। हाँ। ये एक्चुअली ट्रैवलिंग थी, इसमें हमने ट्रैवल ही देखा है, जो कि पाकिस्तान से निकले दोहा, दोहा से फिर ये कतर से एयरपोर्ट ढाका पहुंच चुके हैं और जाते ही सो गए हैं। सो गए कहते हम थके हुए हैं, थके हुए हैं, बांग्लादेश की सैर करवाएंगे आप बिल्कुल, क्योंकि थकावट हो जाती है यार, पहले पाकिस्तान से बंदा तैयारी पकड़ता है। सजाद भाई हैदराबाद से कराची दो घंटे का घंटे ट्रैवलिंग है, फिर वहां से आपने एयरपोर्ट के ऊपर काफी आपको स्टे करना पड़ता है जब तक आपका अनाउंस नहीं होती फ्लाइट डिपार्चर नहीं होती, उसके बाद फिर जो होता है आपने दोहा पहुंचना है। ये तो वहां पे दो तीन चार घंटे, बहुत से दोस्त बोलते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट है पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए कि नहीं है, तो डेफिनेटली मैंने काफी चीजें सर्च की हैं लेकिन नहीं मिली मुझे, तो हमें पाकिस्तान से अगर ढाका बांग्लादेश जाना है तो हमें पहले अगर या दोहा जाएंगे, अगर कतर एयरलाइन से हम जाएंगे तो फिर हम दोहा से टच करके फिर ढाका जाना है। हाँ, दूसरी फ्लाइट लेकर, मेरे ख्याल में और अगर एमिरेट्स से जाएंगे तो वो दुबई लेकर, दुबई वो दुबई जाएगी, वहां से फिर आपने जाना है। तो ये कतर एयरलाइन से गए हैं तो डेफिनेटली वो दोहा को टच करके फिर वहां गए। तो कैसा लगा वीडियो, इंटरेस्टिंग था? नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा और इंटरेस्टिंग होंगे इनके, तो आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।